नमस्कार, आज मैं खड़ा हूँ रायपुर के महादेव घाट पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे शिव जी की मंदिर है और जो नदी बह रहा है इसे खारू नदी कहा जाता है। दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में लेकर के जाने वाला हूँ जो आवासीय प्रोजेक्ट है और महादेव घाट रोड से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट की दूरी पर है, जो आपके बजट में आपको मिलने वाला है और शानदार सुविधा के साथ वो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रायपुर से पाटन रोड पे और मैं अभी खड़ा हूं मेन रोड पे, जो कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चौड़ी रोड है और 4 लेन रोड है, क्योंकि अभी अभी नया ये रोड बना हुआ है। और अभी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी सिर्फ महादेव घाट से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट की दूरी पर है और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका रेट बहुत ही कम है और जहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा फैमिली निवासरत है, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहाँ पे आप प्लॉट पे निवेश कर सकते हैं या कोई मकान बना करके रह सकते हैं, तो आपके लिए वो बेहद अच्छा है। दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है हर्षित न्यू सिटी, जो कि रायपुर के जाने माने बड़े बिल्डर सिंघानिया बिल्डकॉन का प्रोजेक्ट है और जिस ग्रुप ने लगभग 25 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट रायपुर शहर को दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे पूरी जानकारी दूंगा कि इस प्रोजेक्ट में ऐसे क्या क्या चीज है जो आपके अपने बजट में सबसे अच्छी साबित हो सकती है। हर्षित न्यू सिटी के आसपास की अगर लोकेलिटी की बात करूं, जो कि हमको हर प्रकार की सहायता चाहिए होती है, हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, वो सारी चीजें यहाँ से बहुत ही नजदीक है। जैसे अगर हम बात करें स्कूल और कॉलेजेस की, तो यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में आपको सारे स्कूल कॉलेज मिलते हैं और साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर भी स्कूल की बसें आती है, जो यहाँ पर बच्चों को अपने स्कूल में ले जाकर के छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल की बात करूँ, तो यहाँ पास में ही रायपुरा हॉस्पिटल है, अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति बनती है तो वो हॉस्पिटल बहुत ही नजदीक है। और साथ ही अगर देखा जाए तो एम्स हॉस्पिटल भी यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है और साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पास में ही अमलेश्वर है, जहाँ पर आपको मार्केट मिलता है और छोटी से छोटी चीजें आपको बहुत ही आसानी से मिलती है। और अगर आपको बड़ा मार्केटिंग करना है तो पास में ही रायपुरा का बड़ा मार्केट है, जहाँ पर आप होलसेल में भी सामान खरीद सकते हैं। और पास में ही यहाँ पर डी मार्ट है, जहाँ पर आप जा करके पूरे महीने भर का या 3 महीने का पूरा राशन अपने घर ला सकते हैं। अगर दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो रोड के ऊपर में ही जैसे आपने देखा ये प्रॉपर्टी है, तो आपको ऑटो और बस एनी टाइम मिलती है। और अगर देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में भाटा गांव का इंटर स्टेट बस टर्मिनल मिलता है, जहाँ से आप किसी भी शहर में यात्रा कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको रेलवे स्टेशन में अगर जाना है, तो लगभग 10 किलोमीटर इस लोकेशन से रेलवे स्टेशन पड़ता है। और अगर देखा जाए एयरपोर्ट की बात, तो एयरपोर्ट भी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में एयरपोर्ट पड़ता है। तो इतनी सारी कनेक्टिविटी के साथ में ये प्रोजेक्ट आपके पास में है। जैसा कि आपने देखा कि सामने महादेव घाट है, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से गुजरात के साबरमती नदी के तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है, जिसे वाटर रिवर फ्रंट कहा जा रहा है, जो कि 8 किलोमीटर का पूरा एक पिकनिक स्पॉट बनने वाला है और नदी के दोनों तरफ पूरी तरीके से ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की डिस्टेंस पे मिलता है। और वो आप बच्चों को ले जाकर के गार्डन में घुमा सकते हैं या आपके लिए एक पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार में ही आपके सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है गार्ड, जो कि आपके सुरक्षा के लिए और आपके किस परिवार को किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए ये सारी व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के अंदर है। इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट चारों तरफ से कवर्ड है बाउंड्री वॉल से, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या क्या भव्य सुविधाएं हैं जो आपके इस बजट में आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल साबित हो सकता है। हम आ चुके हैं हर्षित न्यू प्रोजेक्ट के अंदर में, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट में रहने के लिए मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसी मूलभूत सुविधा की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली के सप्लाई का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो मुख्य द्वार है, जो 40 फीट का रोड है, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने में ही ये 40 फीट की रोड पूरी तरीके से कॉन्क्रीट में परिवर्तन हो चुका है,
और उसके आजू बाजू में पेवर ब्लॉक्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। अभी हम खड़े हैं प्रोजेक्ट के सुंदर से क्लब हाउस के पास में। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सुंदर सा एक डिजाइन दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट का क्लब हाउस है। और इस क्लब हाउस के अंदर आपको मिलेगा जिम का सुविधा और साथ साथ इंडोर गेम्स। और मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड से देख रहे होंगे, यहाँ पर एक गार्डन डेवलप किया जा रहा है, जो कि आपके क्लब हाउस की खूबसूरती को भी चार चांद लगा सकता है। दिन के अच्छी शुरुआत के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए इस सोसाइटी के अंदर मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पर आप सुबह सुबह जा करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बहुत जरूरी है कि अपने धर्म का सम्मान करें और साथ साथ पूजा अर्चना भी करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्षित न्यू सिटी के अंदर बहुत सारे लोग निवासरत हैं, बहुत सारे मकान आप देख रहे होंगे, गाड़ियां खड़ी है, इसका मतलब है लोग यहां पर रहते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि और भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शहर के पास में ही है और लोग चाहते हैं कि शहर से नजदीक ऐसी प्रॉपर्टी मिले जहां पर रहा जा सके और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या सारी चीजों का जो भी साधन हमको चाहिए होता है वो सभी चीजें आसानी से मिल सके। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है और आप भी चाहे तो यहाँ प्लॉट खरीद कर अपना मकान बना सकते हैं, या तो आप खुद बना बनाया मकान भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी यदि रायपुर के महादेव घाट के आसपास या अमलेश्वर के आसपास प्लॉट या मकान आप सर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक बार इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 स्क्वायर फीट से लेकर के 2000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट मिलता है और पूरी तरीके से सभी प्रकार की सुविधा इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। यदि आप भी हर्षित न्यू सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपके वीडियो के स्क्रीन पर आ रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे जाकर के आप टाइप कीजिए YT स्पेस आपका नाम स्पेस HNC और भेज दीजिए इस नंबर पर। माई बजट माई होम्स की टीम आपको जल्द ही संपर्क कर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी से चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए कि मेरे इस चैनल में आपको कैसी कैसी प्रोजेक्ट की जानकारी मिल रही है और इसके अलावा भी आपको कैसे प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन, थैंक यू सो मच।